तेरे चाचा ने तू जाने सो धरते नाश करनिया से, अकबर धोरे चुगली करके सब ने दास करनिया से, मुगला के चक्कर में आके देह का घास करनिया से, डके डकाए ढोला का कति पर्दा फास करनिया से, मांगे राम समझौता कर लेना लाख रुपए का कर लागे, चल ने चित्तौड़ सजन हड़ सारी हाना डरला। सस पत्नी की बात जब जयमल ने सुनी, दिमाग को घुमाता है, विचार करता है, और उसकी बुआ का लड़का फतेह सिंह बहुत ही ताकतवर राजपूत था, उसके पास में चिट्ठी लिखता है। देखो ये नेका के बारे में बता रहे, बोले सगया भाई है, अपन माजाए न कह दे सगया, लेकिन सगया भाई होता है मामा फूफी का, माजाया तो माजाया हुआ। तो यहाँ पर वो जयमल चिट्ठी लिखता है फतेह सिंह के पास में, अरे बुआ के बेटे कुछ मेरी तरफ भी ध्यान कर ले, क्या कहा है क्या? नारायण लख दी और नीचे लख दी नेक जवान, मेरी बुआ के बेटे संग वाले ओ क्या होली गोल त्योहार, चले से सुखी के पूरा हाथी चलियर घोड़ा मारे हक हकूकी के प्रेम माने जान से वो काम करे बेकुटी के माताया प्यारे हो से भाई मम्मा फूफी के कटपुंती में मोर तुरा के कटपुंती में मोर तुरा के वो तक्के खाता फिर गवार के बेटे सगवाले हो गया होली गोल त्योहार, ओम श्री नारायण हरि नित्य लखनी, रबुआ के बेटे सगवाले हो गया होली गोल त्योहार। परवीन फौजी भाई काफी नाम पहले सौर पिछर मंचवान करते, अपने घर में सब सोमण के बोर चले से सूखी के पूरा हाथी जलियर घोड़ा मारे हक हकूकी के, तेरे मामा ने तू जाने से वो काम करे बेकूपी के, और माँ जाए तो भी प्यारे हो से भाई मामा फूफी के, कट बूंदी में मोड़ तोड़ा को धक्के खाता फरेगवार, बुआ के बेटे संगवाले हो गया होली कोट त्योहार, मैं बहुत बचिया भाई क्या। शेर चाल गया था हीरे पंडे कनी मणि के ढेर चाल गया था, ताता ताऊ कुटुंब कबीला तजके मेर चाल गया था, बारह साल रहन नन्ना के कुंभा ढेर चाल गया था, बारह साल
कुंवारे पंडित मांगेराम ने यहाँ प्रभाव दिया है उस कलम से जो जयमल का मन था लिखने का। क्या कहा? लगो असनैया के करीब गऊ छटुआ के लिए जा ला पंदरी घरा कसैया के तन छोटी तक तेरा मामा बंधा बुराइया के कुआ की देर भतीजी हो से माँ के जाए भाइया के कुआ की देर भतीजी हो से माँ के जाए भाइया के मेरी साड़ी गलिया मदद करे ना आग लगो असनाइया के गरीब गऊ छटवा कलेजिया बंदर ही घर कसाइया के एडी ते चोटी तक तेरा मामा बंधा बुराइया के बुआ की गैल भतीजी हो से माँ के जाए भैया के मेरी साड़ी गलिया ब्याह चावे था मंगे राम पड़ी ना पार बुआ के बेटे संग वाले हो गया होली कोट तो। फतेह सिंह वापस चिट्ठी लिखता है नवलाओ जयमल तू यहाँ पर चित्तौड़ में आ जा। राम राम और लखी नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम जयमल भाई डरिए मतना माल देव से फरे गुलाम जी काट दूंगा माल देव का तो मैं। और अकबर बोल लगा ने तेरे बाप तो अकबर गैल भी लड़ूंगा। अब वहां से जयमल चल पड़ता है माल देव ने चाल खेल दी चित्तौड़ में एक चिट्ठी पहुंचा दी फतेह सिंह के पास में वह सौदागर है
तर घना धन ले रहे हैं। और आड़े तो मेरी हत लकड़ गए और तू न लूट लिए। फतेह सिंह ने झीड़ी में एक नाका ला दिया और वहां पर फतेह सिंह नाके पे था, हरी सिंह आड्डा वहां पर मारा जाता है। जब औरतों का रुधन सुनया, फतेह सिंह उधर गया, सस्पत्नी देखी कि तू क्यों करे के जेठ तन समार का नाश कर दिया महाराज। के बात के मेरा ये धर्म का भाई था, ये तन मार दिया। के जमल किचे के ओ रहा जमल, अब किले में चले जाते हैं। अकबर के दरबार में इस बात का पता चल गया कि दोनों राजपूत इकट्ठे हो गए, इब ये तेरे काबू में आवेंगे नहीं। मालदेव ने फिर चुगली की, अकेक बहु ने दावत पर बुला ले और मैं यहाँ कोई बात बताऊंगा, अर्ध नाटक जा नहीं सकता। एक चिट्ठी लिखता है अकबर दोनों सुरमाओं के पास में और उस चिट्ठी को पढ़ते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या दावत आ रही है। अकबर कहते हैं के जाओगे, के जाएंगे, के मुगलों के शामी बोलेगा कौन, बोल लेंगे तो वे जो बोलते आए। तो यहाँ पर इनकार करती है सस्पदनी कि दिल्ली लाशों के ऊपर बसा हुआ शहर है, उड़ मत जाइयो या दिल्ली तो सब क्या इन्हें खाएगी। एक बात के द्वारा समझाती है, क्या कहती है क्या बताएं।